अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जो है वो थंबनेल पे देखा कि आज जो है वो मैं लाइट्स जो है ना वो मेरे इंस्टॉल हो रही हैं, लाइट्स लग रही हैं, हर केजीज में लाइट्स लग रही हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये कोई ख़ास एक नई चीज़ तो नहीं है, हर दोस्त ने जो है वो लाइट लगाई होती है। बहुत से शेड्स में, स्पेशली लव बर्ड्स के शेड में जो है वो आपको ये लाइट देखने को मिलेंगी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत आम सी चीज़ है, लेकिन इसका जो सही इस्तेमाल है वो दोस्तों को करना नहीं आता। अगर बहुत से दोस्तों ने लाइट्स लगाई हुई हैं तो उनसे जब सवाल किया जाए कि आपने ये जो लाइट्स लगाई हैं हर केज के साथ और अपने जो केज को है जो रोशन किया हुआ है तो उसकी क्या वजह है, तो दोस्त जो है उनका आंसर यही होता है कि हमारे क्योंकि डेप्थ वाले केजेज़ हैं तो जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको जो है वो बर्ड नज़र नहीं आता, तो बर्ड की खूबसूरती को दिखाने के लिए हमने ये लाइट्स लगाई हुई हैं। ये लाइट जो है हम ऑन करते हैं ताकि जब भी कोई मेहमान आए तो उसको सारे बर्ड क्लियरली नज़र आए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल एक फैक्ट है कि जो दोस्त आते हैं वो आपके बर्ड देखना चाहते हैं तो उनको ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है तो मज़ा नहीं आता। लाइट्स हो तो आप इजीली अपने बर्ड को वॉच कर सकते हैं, आपके आने वाले मेहमान जो हैं वो इजीली बर्ड को वॉच कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आपने इसका लाइट्स का इस्तेमाल मेहमानों के अलावा आपने इस लाइट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। मेरा मकसद क्या था लाइट्स लगाने का, मैंने क्यों ये लाइट्स लगाई, एक तो ये कि डेफिनेटली मेरे जो रूम है एक बंद रूम है उस पर वेंटिलेशन है, लाइट्स आती हैं, लेकिन जो बिल्कुल कॉर्नर वाले केज हैं वो बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं और मेरे पास जो ज़्यादा बर्ड्स हैं वो रेड आइज़ हैं, तो रेड आइज़ को बहुत अरसे तक अंधेरे में रखा जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लाइंड होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये वजह ये है। दूसरी ये कि लाइट का इस्तेमाल ब्रीडिंग सीज़न में आपको कैसे करना है, तो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ और जो है एंड पे मैं आपको सारी जो है वो जब लाइट्स लग जाएंगी तो उसकी लुक भी दूंगा कि कैसी लग रही है। खूबसूरती तो एक अलग चीज़ है। लाइट्स बेसिकली जब भी ब्रीडिंग सीज़न आता है, डेफिनेटली ब्रीडिंग सीज़न तब आता है जब गर्मी का मौसम जाता है और सर्दियों का मौसम आता है और इसमें जो है वो दिन की रोशनी का दुरानिया है वो कम हो जाता है और रातें लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए जो है हम ज़्यादा देर तक लाइट्स उनको देते हैं ताकि जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो जो है वो ज़्यादा देर तक अपनी जारी रख सकें और हम जो है इनको सोने के लिए छः से आठ घंटे इनको रेस्ट देते हैं, सारी लाइट्स ऑफ कर दें ताकि ये रिलैक्स कर सकें। सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बहुत से दोस्तों की शिकायत होती है कि उनके बर्ड जो है ब्रीड पर नहीं आ रहे या वो अपनी एक्टिविटी नहीं शो कर रहे, तो बेहतरीन टाइम जो होता है, जैसा कि अब सारा दिन जो है वो मेरा चलता रहा, ये लाइट्स मैं ऑन नहीं करूँगा, इनकी मुझे दिन के टाइम ज़रूरत नहीं है, उसके बाद हो जाएगा मगरिब का टाइम अंधेरा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो ये लाइट्स बिल्कुल ऑफ रहेंगी और पूरे एग्जैक्ट 8 बजे मैं सारे शेड की लाइट्स ऑन कर दूँगा। ब्रीडिंग सीज़न की बात कर रहा हूँ, जब मैं सारे शेड्स की लाइट ऑन करूँगा तो बर्ड एकदम एक्टिव होंगे और यकीन करें अगर आप बैठ कर देखें तो आपके चाहे बड़े पैरट्स हैं चाहे छोटे पैरट्स हैं आपकी आंखों के सामने मीटिंग करेंगे, आप देख रहे होंगे और वो जो है ना वो मीटिंग करेंगे, ज़बरदस्त एक्टिविटी शो करेंगे और वो बेहतरीन टाइम होता है कि आप उस टाइम अगर चिक्स निकले हैं या नहीं निकले तो आप जो सोक सीड्स हैं वो आप लाइट्स ऑन करें, सोक सीड डाल दें और ये लाइट ऑन करने का दुरानिया जो होगा 2 घंटे के लिए होगा, मतलब 8 बजे अगर मैंने लाइट्स ऑन की हैं तो मैं 10 बजे लाइट्स को ऑफ़ कर दूंगा। तो ये एक बेहतरीन सी टिप थी आप दोस्तों के लिए और उन दोस्तों के लिए जो सिर्फ शौकिया लाइट्स लगाते हैं, तो लाइट का इस्तेमाल करना भी एक टेक्निक है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर अंदर चलते हैं और जाकर सारी जो है देखते हैं क्या चल रहा है और जैसे ही रात होगी आपको मैं एक नाइट लुक भी दूंगा।
जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारा सेटअप अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा लाइट्स देखकर, और जो लाइट का इस्तेमाल करने का तरीका था वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।